हाँ, चलिए। तो मेरा ये विचार है एक लॉ के स्टूडेंट के नाते और एक समाज के जागरूक नागरिक के नाते कि हमारा देश में आज जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और साइबर कानून होने के बाद भी, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी के बाद भी जिस प्रकार की साइबर धोखाधड़ियाँ पूरे देश में चल रही है। आप पिछले दिनों यहाँ आश्रमों के नाम पे लोगों ने फर्जी वेबसाइट्स बना बना के लोगों को लूटना शुरू किया, उन पर कोई बहुत ठोस समाज में रिजल्ट नहीं आए। तो ये अदने अदने से लोग इतने बड़े बड़े डिजिटल धोखाधड़ियाँ जिसको साइबर क्राइम कर रहे हैं, उस पर हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है? मतलब पुलिस और अदालत में भी जो है, पुलिस वालों को जो साइबर पुलिस है उसको भी कहते हैं, तो वो भी कई बार दाएं बाएं देखते हैं। तो ये क्या, बहुत आप क्या बहुत सोचते सुंदर प्रश्न आपने किया है। हैं, आप इस पर क्या पहले सोचते तो हम आपकी दाएं बाएं देखने वाली बात पर रिएक्ट हैं? करेंगे। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, जी चाहे जो है राजनेता हो, चाहे हमारी न्याय व्यवस्था हो, उसे दाएं बाएं देखने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने अंदर वो शक्ति ही पैदा नहीं की जो इन दुष्टों से 3 महीने के अंदर ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है कि ये लोग टेक्निकली सक्षम होंगे, लेकिन उनके मन मस्तक में ऐसा दूषित विचार आएगा तो उनको बुरे बुरे सपने आने जाएंगे, वो जेल में सड़ जाएंगे। ये करना संभव है? क्योंकि सर नहीं, आप बात समझ रहे हो ना। जी इसका मतलब है हम जो कुछ कर सकते हैं उस पे ना हमने सोचा ना हमने किया। आज हमारे सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी इन राजनेताओं के चरण सेवक बन के उनकी ही वीआईपी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आम पब्लिक के कष्ट के बारे में उन्हें सोचने का समय नहीं सर, है। मैं बीच में रोक रहा हूं। जैसे कहीं पर भी कोई साइबर क्राइम होता है, खास करके पैसे को ट्रांसफर करने के नाम पर, तो सर वो किसी अकाउंट में तो जाता होगा, कहीं तो होता होगा। आप वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? हम तो उसके और बेसिक पर ले जाना हाँ चाहते हाँ हैं। देखिए, जब भी हम साइबर क्राइम के बारे में सोचते हैं तो मुझे मछली पकड़ने के नेट्स याद आता है। देखिए, मछुआरा क्या करता है, अपने नेट को एक लंबे एरिया में फेंकता है जिसमें हजारों मछलियां होती हैं, लेकिन फंसती हैं बाबू दस पानी देना। फंसती कितनी हैं? 10, 15, 20, इससे ज्यादा फंसती हैं? तो हाँ नहीं फंसती, हाँ नहीं बस्ती। राइट। अब इसको साइबर क्राइम पे ले जाते हैं। एक साइबर क्राइम को क्राइम करने के लिए, बेटे चाहे साइबर क्राइम को एक साइबर क्रिमिनल को साइबर क्राइम करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है कि SMS भेजे, दूसरा तरीका है ईमेल भेजे, तीसरा तरीका है फोन लगाए। ये 2-3 तरीके हैं, क्योंकि उसे अपनी बात तो पहुंचाना पड़ेगी। उसने जो भी आपको मूर्ख बनाकर आपके पैसे को हड़पने का जो भी सिस्टम बनाया है, उसे किसी न किसी माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। बिना माध्यम तक तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, तो या तो SMS है या ईमेल है या ध्वनि डायरेक्ट बातचीत करना है। ये 3 है। एक व्यक्ति जो साइबर क्राइम करने के लिए जिसने हजारों लोगों को बिठाया हुआ है, वो लोग लाखों लोगों को फोन कर रहे हैं। सर यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि वो जो फोन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश में अभी भी सिम या मोबाइल नेटवर्क अवैध हाथों में है? जो यदि किसी ने किसी को कॉल की तो उसका कहीं नंबर फोन तो ट्रेस होता होगा, एक। दूसरा, किसी अकाउंट में पैसा तो जाता होगा, किसी बैंक में जाता देखिए, होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के लिए आपके पास समय नहीं है। उसने उसे आपकी FIR दर्ज नहीं करना है, उसे उस पर विवेचना नहीं करना है। वो विवेचना पे बैठ रहा है तब तक उसे कहा गया कि नेताजी वहां जा रहे, जाओ व्यवस्था में खड़े हो जाओ। तो वो आपके उस पर वो नहीं कर रहा है। अब उसे समय सीमा में कुछ लिखना है तो वो फर्जी डायरी, केस डायरी लिख रहा है। ये आपकी समस्या है। मैंने समाधान SP भोपाल के बतौर 12 लोगों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की थी, टेबल पे बैठ के फर्जी विवेचना करने की, एज ए SP भोपाल कैपिटल के उनका SP के। क्या हुआ उनका? सजा मिली उनको? मेजर पनिशमेंट दिया, दंड मिला उनको। चूंकि सभी लोग यही कर रहे हैं तो आपने 4 को पकड़ लिया, उनको आप नौकरी से निकालने, ये मुझे उचित नहीं लगा। हालांकि उसको नौकरी से निकालने का भाव भी आया था, नहीं निकाला नहीं। लेकिन इसलिए नहीं निकाला कि ये तो धोखे से 4 फंस गए हैं, पूरा विभाग ही यही कर रहा है। हाँ नहीं,
आप जहां नहीं हो वहां पे तो और धड़ल्ले से हो रहा है, यहां तो आपका डर काम कर रहा है इसलिए लोग बाग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। भय से जो कर रहे हैं वो एकदम भय से कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह तो धड़ल्ले से यही हो रहा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है, लिहाजा उसको इतना बड़ा दंड देना ठीक नहीं है, ये मेरा सोच था। अब सवाल उठता है कि क्या इस व्यवस्था को, जमीनी हकीकत को बदला जा सकता है? तो मैथिली शरण गुप्त का कहना है ये सिर्फ 3 महीने के समय में लोगों की ये हिम्मत खत्म हो जाएगी कि वो साइबर क्राइम का सोच भी अपने दिमाग में लाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्योंकि लॉ में सर मेरा जो LLM चल रहा है और मैं PhD की तरफ जा रहा हूँ और मेरा PhD का सब्जेक्ट ही मैं ले रहा हूँ साइबर लॉ, और मैं वास्तव में साइबर लॉ PhD के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसकी जड़ तक जाना है मिशन की तरफ से कि आखिर क्या इतना बड़ा तंत्र और सिस्टम, दुनिया बदलने वाले लोग देश में इतने IAS IPS पड़े हैं, क्या हम इस सिस्टम ये हम इसको नहीं रोक? गरीब आदमी बेचारा वो कैसे तड़प रहा है उसका पैसा। एक तो मैं आपसे बीच में अवरोध पैदा करते हुए कहना चाहूँगा, जिन IAS IPS को आप बड़ा मान रहे हैं वो सब बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। और राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। हाँ, चरण सेवक, उन्हें जब तक चरण सेवक नहीं रहेंगे तब तक वो अच्छी जगह पे पोस्ट नहीं होंगे, और उनके लिए अच्छी जगह पे पोस्ट रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चरण सेवक बनना ही पड़ेगा। जो नहीं है वो किनारे बैठे हुए हैं, उस उनमें इतना आत्मबल नहीं है कि वो खड़े होके कहें कि मैं परिवर्तन कर दूंगा। उनमें वो ताकत है लेकिन वो ऐसा कहेंगे नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये आप अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ 3 महीने के बाद भारत में कोई साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम जो है या साइबर स्पेस एक प्रोटोकॉल से चलता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाता है तब आपकी बात आगे पहुंचती है, मतलब आप इंटरनेट में भी तभी पहुंचेंगे जब आपका हैंडशेक हो जाएगा। जिस समय ये बनाया गया उस समय इसका उद्देश्य मात्र संचार व्यवस्था थी, कल्याण, आज नहीं कल्याण छोड़ दी, संचार व्यवस्था, बातचीत को पहुंचाना था। आज इस माध्यम से डिजिटल वर्ल्ड पैदा हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, क्या जो हमने मैसेज के संचार के लिए व्यवस्था बनाई थी क्या वो इन बृहद जिम्मेवारियों के लिए उसमें अनुकूल परिवर्तन किए गए क्या? ये बात, ये जो बात मैंने स्टेटमेंट दिया ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है? मैं इसे विस्तारित करूं? समझ में आ गया है। तो अब करना क्या है, मैं वो सीधे समाधान पे आता हूं। इसमें दो काम करना है केवल, बल्कि तीन काम और करना है। तो एक काम तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का आज ही है ही, हम उसके साथ कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। आप साइबर स्पेस में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से घुसने की पात्रता तो कर लेंगे लेकिन वो घुसने नहीं देगा आपको। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आपके वो सब डाटा लेगा, आपका नाम, बैंक अकाउंट, ये सब चीजें, जब तक वो वेरीफाई नहीं, आपके अकाउंट से एक पैसा जब तक, एक रुपया जब तक डिडक्ट नहीं होगा तब तक वो आपको घुसने नहीं देगा। यस, ये कठिन है क्या? बहुत सरल काम है। अब हमारी आपके पास पूरी आइडेंटिटी हो गई, राइट। अब हमने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बटन दे दिया, जैसे ही आपको संदेश हुआ कि यार ये कुछ गड़बड़ लगता है तो उसको आपको बटन को दबाना है, और यदि आप नहीं कहोगे तो हम AI को बिठा देंगे, वो उस बटन का काम खुद कर लेगी। हाँ। तो हमें आपकी बहुत जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हम चाहेंगे कि आप दबाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको भी अपनी सहभागिता दिखेगी, लेकिन हम आपके बिना सहभागिता के भी ये कर पाएंगे, मतलब हमें आपकी बहुत सहभागिता की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही उसको लगा कि ये कोई फ्रॉड कॉल हो सकता है और उसने बटन दबाया तो उसकी वीडियो ऑडियो जो भी रिकॉर्डिंग है सब चालू हो जाएगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछे बैठ के सुनेगी कि ये क्या कह रहा है। अब उसने कहा कि भाई साहब OTP बताइए, तो इसके पहले कि आप कोई OTP बताएं उसको, वो आपके स्क्रीन पे एक फर्जी OTP फ्लैश करना चालू कर देगा, जिसे आप सुगमता से पढ़ेंगे, यदि वो 4 बार रिपीट करने के लिए कहेगा तो भी उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अब उस OTP के साथ वो क्या करना है, उसे फीड करेगा कहीं पर, चूंकि वो फर्जी OTP है तो वो जो है काम करेगी नहीं, तो वो आपको दोबारा फोन लगाएगा, और आपको चूंकि अभी तक का उसका एहसास है कि वो कुछ भी करता है उसको कुछ बिगड़ता तो है नहीं, तो वो आपको शुद्ध माँ बहन की गाली देगा,
के साले क्या समझते हो ये वो सब, जितना जितनी उसने भद्दी गालियां सीखी होंगी वो उसको आपके ऊपर उतार देगा, राइट। सब चीज रिकॉर्ड हो रही है, सिस्टम जो है आपसे बिना पूछे उसको अपराध पंजीयन के लिए भेज देगा। अभी आपने एक पैसा खर्च नहीं हुआ, आपका एक पैसा नहीं गया है, अपराध पंजीयन हो गया है, उसकी आइडेंटिटी पहुंच गई है, कोई व्यक्ति पुलिस को जाने की जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर लेगा, उसको 10,000-20,000 रुपए सिस्टम पेमेंट भी कर देगा, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। इविडेंस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड है, वो पहुंच गए, 30 दिन में आपको सजा हो जाएगी और जज महोदय से ये अधिकार ले लिया जाएगा कि वो कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे। तो इसने यदि 1,000 लोगों को फोन किया तो 1,000 पनिशमेंट का आपको प्रोजिक्यूशन हो गया, यदि 2 साल की सजा है तो उसको 2,000 वर्ष का पनिशमेंट हो गया और उसके जेब में अभी एक पैसा नहीं आया, वो 2,000 साल के पहले मर जाएगा। पर सर ये धरातल पर कैसे आए? उसी वही तो प्रयास है, सत्यनारायण कथा उसी के लिए है। सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका वीडियो एक वीडियो रोज देखो और यदि वीडियो आत्मा के नजदीक है तो उसे डाउनलोड कर लो, फिर अपने साथ और अपने स्वजनों के साथ सुनो उसको। क्राइम फ्री इंडिया, क्राइम फ्री भारत, इंडिया नहीं भारत। इसका दूसरा अध्याय कह रहा है कि आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका तीसरा अध्याय कह रहा है कि इसी ऐप में प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो जितने भी आप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि आपको 10 लोगों की सूची बनाना है, जो आपके परिवार के हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, जो किसी भी संगठनों में आपके संपर्क में आए हैं और ऊर्जावान हैं, अपने भारत को अच्छा भारत देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, ये संकल्प और शपथ लेके उनको जो है ना यही सत्यनारायण के 4 कथा के उपाय करना है। क्या ये सत्यनारायण के 4 अध्याय कठिन है? बहुत सरल है, आपको मान दो इन सरल 4 उपाय से मात्र 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। तो क्या अभी तक नहीं हुए? नहीं, उसमें आपके मिशन की पॉलिसी बाधा बन गई है ना? नहीं सर, पॉलिसी बाधा नहीं है, दिक्कत ये है कि हम उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाए अभी तक। नहीं, पॉलिसी भी बाधा हो ना हो थोड़ा मिक्स है, पर क्या है ना कि जो यहाँ जिन्होंने अपनी लाइफ इस पवित्र उद्देश्य के लिए दी है वो एक सिस्टम में काम करते हैं, उनका सिस्टम उनको भी आदेश देते हैं। आप एक मिनट के लिए वो सिस्टम में अपना भी, जैसे सर सॉरी मैं रुक रहा हूँ, जैसे अभी केदारनाथ में आपदा आए, एज ए ह्यूमन बीइंग यदि मेरी कैपेसिटी है तो मुझे वहां जाके सेवा करनी चाहिए, पर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय छुट्टी लेगा तब जाएगा, मैं मिशन में हूं तो या तो मैं छुट्टी लूं तब जाऊं, या मुझे मिशन यदि आदेश कर दे तो आप मिशन की शक्ति के साथ चले जाएंगे। तो मेरा ये कहना है आपको, बस बिल्कुल ठीक बात। मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो मैंने आपको बताया, यदि हम इसको जमीन पर उतारने के लिए खुद सक्षम होंगे, हमने आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी बता दिया जी। हमने ये भी बता दिया कि नेता नहीं मानेंगे तो हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा तो एक पूरा सार्वभौमिक मॉडल है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। सही बात है, ठीक है ना। अब बताओ कि यदि जो बदला हुआ परिप्रेक्ष्य हमने साइबर क्राइम का आपको समझाया है, इसमें किसी भी साइबर क्रिमिनल की साइबर क्राइम की तरफ देखने की हिम्मत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो इतना सरल उपाय करने के लिए मैं भारत सरकार से पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं। क्यों? मोदी गवर्नमेंट अच्छा भारत चाहती नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं, वो कहने और करने से क्या होता है। ये प्रस्ताव मैंने 2017 में एज ए सिटिंग डीजी भारत सरकार को भेजा। एक पूरी बात सुन लो, ये बहुत जरूरी है, आपने प्रश्न किया है। ये 2017 में सिटिंग डीजी ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जिसमें 2 साल परीक्षण किया गया, 2019 में उसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत घोषित कर दिया गया, जिसका नोडल ऑफिसर आज के डेट में मैं ही हूं। कौन है? मैं। प्रोजेक्ट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कहां संचालित हो रहा है? बीपीआरएनटी में। बीपीआरएनटी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरएनटी भारत सरकार का एक विभाग है। 2020 में मैंने एक
कानून बना के कानून का ड्राफ्ट भेजा कि ये क्राइम फ्री भारत ऐसे नहीं अवतरित होगा, इसको एक कानूनी आधार चाहिए। उसका ड्राफ्ट जो है 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार के पास भेजा हुआ है और वो भारत सरकार के पास आज भी लंबित। लंबित क्यों? मोदी जी से पूछो। अच्छा सर, ये एक मिनट अभी मुझे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमने क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया और ये सत्यनारायण की कथा को ईजाद किया, इसके टेक्नोलॉजिकल मॉडल बनाए और हम कह रहे हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। आप मेरे को केवल शक्ति दे दो, मैं खुद कर दूंगा जी। और मैं ये भी कह रहा